इसमें ला रही असल जी बच्चों क्या हाल है जी आपके अच्छा भाई एक्सरसाइज करनी है 4.3 और इसमें एक दो कंसेप्ट है ये जरा समझ लें एक ही होता है रेडिकल इक्वेशंस ये हमने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है रेडिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां आपका जो वेरिएबल है ना वो अंडर रूट के अंदर आ जाए इसी को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं देखें इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन यही है अंडर रूट तो ऐसी इक्वेशन है जिनमें रेडिकल एक्सप्रेशन आता है ठीक है और ज़ाहिर है वेरिएबल उसके अंदर आ रहा हो ठीक है तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं और यहां एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रॉनस रूट्स एक्स्ट्रॉनस सोलूशंस ये क्या चीज़ है ये ज़रा पढ़ के देख ले एक्स्ट्रा सोलूशंस विच डू नॉट सेटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन कि एक ऐसा आंसर हमारे पास आ जाता है जो असल इक्वेशन से मैच नहीं खाता उसको सेटिस्फाई नहीं करता अब देखें जो हमारे अंडर रूट वाले सवाल हैं जैसे ये वाला सवाल है तो इसको हमने जब हल करना है ना तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि ये अंडरवुट खत्म हो जाए किसी तरह अब जब अंडरवुट खत्म करके और हम इसका आंसर निकालते हैं ना तो वो आंसर ये अंडर रूट के बगैर वाली इक्वेशंस का होता है ठीक है तो जब हम एक्चुअल अंडरवूट वाली इस इक्वेशन में पुट कराते हैं ना तो बाज आंसर्स उससे मैच नहीं खाते तो जो आंसर मैच नहीं खाएगा उसको हम एक्स्ट्रानल सोलूशन कहते हैं ठीक है और वो हम कहते हैं भाई ये उसका आंसर नहीं है ये बाहर से आया है ठीक है तो उसको फिर हम छोड़ देते हैं और फिर बाकियों को आंसर लेते हैं अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जब भी आंसर आया करते हैं तो हम उन आंसर्स को ओरिजिनल इक्वेशन में लगा के चेक करते हैं ठीक है उसकी चेकिंग लाजमी फिर हो जाती है तो हमें इधर एक्स की जगह पे वो आंसर लगा के दोनों साइडों को इक्वल लाना होता है तो सवाल जो है वो अच्छा खासा लेंथी हो जाता है लेकिन अगर आप पेपर में देखें तो पेपर में मेरा नहीं के कभी आई हुई है मैंने पेपर चेक किया एक दो तो उसमें ये नहीं आया हुआ कि आप इनको चेक भी करें एक्स्ट्रॉनल सोल्यूशन के लिए क्योंकि ऑलरेडी इनके आंसर्स काफ़ी लंबे होते हैं तो इसलिए मैं एक सवाल में आपको ये चेक बता दूंगा कि आप चेक कैसे करते हैं ठीक है तो चलें जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखें ये आपके सामने सवाल पड़ा हुआ है और जाहिर है कि एक रकम ये बाहर है और एक ये अंडर रूट के अंदर आ रही है तो इसको हल करना है तो हल करने के लिए अगर आप गौर करें तो ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स की तरह ही हैं एक जैसी हैं है ना और इसके साथ है माइनस वन तो अगर यहाँ पे भी माइनस वन आ जाए तो ये बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली exactly सेम हो सकती हैं तो यहाँ हम माइनस वन कहाँ से लाएंगे ये देखें इधर थ्री पड़ा हुआ है तो थ्री आपको पता है जब इधर आता है तो माइनस का हो जाता है तो हमें तो सिर्फ वन चाहिए तो हम थ्री को कहेंगे भाई एक वन हमें दे दो वो वन को ले आएंगे इस तरफ तो वो माइनस का हो जाएगा और थ्री जो है आप टू रह जाएगा अब देखें ये रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं तो ये जो अंडर रूट वाली रकम है इसको आप लेट कर लें वाई या एक्स या कुछ भी टी लेट कर लें मैंने यहाँ टी लेट किया है सो ये देखें ये जो सारी अंडर रूट वाली टर्म है इसको हमने टी लेट कर लिया और जाहिर है अंडर रूट वाली है तो आप स्केयर लें अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये अंदर वाली जो अमाउंट है टी स्केयर के बराबर आएगी क्योंकि हमने इधर भी स्केयर लेना है इधर भी स्केयर लेना है तो स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाना है तो फिर बहरहाल टी स्केयर की वैल्यू ये आ गई तो मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे हमने टी स्केयर लिख देना है इसकी जगह पे टी लिख देना है और साथ ये टू तो देखें इक्वेशन सिंपल हो जाएगी तो ये देखें टी स्क्र माइनस टी इक्वल टू टू अब टू को ले आए इधर माइनस का हो जाएगा तो ये हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास आ गई और इसको हल करने के जो मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ लगाएंगे और आमतौर पे जो मेथड हमारे पास होता है ये फैक्टराइजेशन है फैक्टर्स बनाने टू है ना तो टू कैसे आ सकता है टू वनजार टू से ही आ सकता है और टू को माइनस का रख लें टी को प्लस का रख लें क्योंकि माइनस टू प्लस वन आप कैलकुलेटर में करें तो यही आंसर आता है क्योंकि माइनस की अमाउंट है हमारे पास तो इन दोनों को प्लस माइनस करें तो वापस ये चीज़ आए ठीक है तो अब ये फैक्टर बन गया आपके पास अब आप कामन ले लें इन दोनों में से कामन लें टी आ गया और एक टी रह गया माइनस और ये टू रह गया यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर प्लस वन कुछ भी कॉमन ना हो तो वन लिखते हैं और ये टी माइनस टू तो टी माइनस टू सेम है कॉमन है इन दोनों को आप बाहर निकाल दें तो बाकी रह जाएगा टी प्लस वन तो ये हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं टी माइनस टू एंड टी प्लस टू दोनों को लहदा लहदा जीरो के इक्वल रख लेंगे अब ये फर्दर आगे हल होनी है पहले जो हमारे पास है टी माइनस टू इसको ले ले माइनस टू को उधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा अब ये जो टी है ये जो हमने लेट किया हुआ था वो हम वापस इसको ले आएंगे क्योंकि टी क्या था ये चीज़ थी तो टी की जगह ये सारी अमाउंट लिख दी इक्वल टू वही टू ये लिख दिया अब इसे हम हल करने की तरफ जाएंगे और ये आसानी से हो भी जाएगा अंडर उट है ना आप स्केयर लें दोनों तरफ टू का स्केयर फोर हो जाएगा और अंडर उट ने ख़त्म हो जाना है तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई फोर है फोर को इधर ले आए माइनस हो जाएगा इधर आके माइनस फोर और ये माइनस वन माइनस फाइव हो गया अब ये हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अब बार बार फैक्टराइजेशन करनी है देखें थ्री फाइव जार फिफ्टीन फिफ्टीन होना चाहिए और हमारे पास दरम्याल में टू है और खुशकिस्मती से फाइव थ्री ज़ार ही फिफ्टीन हो जाता है और फाइव और थ्री में देखें दो का गैप आ रहा है पांच में से तीन निकाल लें यह दो आ जाता है तो ये है इस टू की जगह पे हम ये दो लिख सकते हैं बिल्कुल सही है ये अब आप इनमें से कामन ले लें सो so, क्या कामन है जी इनमें x आ रहा है कॉमन तो x लिख लिया बाकी ये थ्री एक्स रह गया और ये x चला गया है तो फाइव रह गया यहाँ ये दोनों नेगेटिव के हैं तो माइनस वन कामन लें बाकी और कुछ नहीं निकल रहा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे सो so, ये देखें ये अंदर वाली अमाउंट्स दोनों सेम आ गई इनको कामन ले लें तो बाकी आ जाएगा एक्स माइनस तो so, ये अगले स्टेप में देखें ये हमने किया है तो ये दोनों अमाउंट्स आ गई दोनों को अगेन बारी बारी जीरो के इक्वल और यहाँ से फाइव प्लस का है इधर आके माइनस का और थ्री ने जाके उसे डिवाइड कराना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन है उधर जाके प्लस वन तो ये दो आंसर्स हमें मिल गए लेकिन अभी हमने सवाल आधा किया क्योंकि हमारे पास ये दो आंसर्स हैं टी माइनस टू एंड टी प्लस वन तो इसलिए अब हमने वो जो टी प्लस वन है उसको लेके उसको चलना है आगे हल करना है तो प्लस वन है उधर जाके माइनस वन अब ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास इसको सॉल्व करवाएंगे तो इसका भी दोनों तरफ स्केयर लेंगे ठीक है और माइनस वन का स्केयर आपको पता है प्लस वन में ही आता है कैलकुलेटर में करके देखें अगर नहीं पता माइनस वन का स्केयर लें वन नहीं होता है और इधर से अंडर रूट खत्म हो गया अब इसको भी वैसे ही बिल्कुल हल करना है हमने वन को ले आए इधर माइनस वन होगा ना इधर आके तो माइनस वन इधर भी है तो माइनस टू हो जाएगा अब यहाँ देखें फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो फैक्टर बन नहीं रहे यहाँ पे तो जहाँ फिर फैक्टर ना बने फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है वो जो फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो फार्मूला हम लगा लेंगे ठीक है ना ये ए है ये बी है और ये सी है और आप ये याद रखा करें कि माइनस साइन भी साथ आता है अगर कहीं हो अब ये सी के साथ ये चीज़ सी है ना मैं तो लिख देता हूँ एक दफ़ा ये सी है ये वाली मोट हमारी बी है और ये हमारे पास ए है ये हम टेंथ में करते आ रहे थे तो ये हम फार्मूले में लिखेंगे माइनस बी ये आ गया प्लस माइनस ये माइनस नज़र नहीं आ रहा होगा और अंडर रूट बी का स्केयर माइनस फोर ए सी ठीक है ना ये ए और ये सी ओवर में टू ए ये वाला ए अब इसको थोड़ा सा हल कर लें अंडर रूट वाली चीज़ को हल करते हैं बाकी तो वैसे ही आ रहा होता है टू का स्केयर लिया फोर माइनस माइनस प्लस हो गया इन तीनों को मल्टीप्लाई और ट्वेंटी फोर और फोर जो है वो ट्वेंटी एट अब अक्सर हम ये करते हैं बाज़ कैलकुलेटर अच्छे जो हैं ये आपको डायरेक्ट ये चीज़ दे देते हैं ये इस तरह की चीज़ लेकिन ट्वेंटी एट है ना तो ट्वेंटी एट को आप फोर इंटू सेवन लिख सकते हैं फोर सेवनजा ट्वेंटी एट और फोर जो है वो टू का स्केयर है तो टू का स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट कट जाता है तो वो जो टू है वो टू बाहर आ जाता है उसका वैसे क्या है कि अच्छा कैलकुलेटर आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले आएगा सही है तो बहरहाल ये चीज़ बन जाती है और यहाँ से देखें इनमें से टू आप कामन ले सकते हैं बाहर और वो टू कामन निकाल के इस सिक्स को आप डिवाइड करा सकते हैं तो वो अगले स्टेप में हमने लिया होगा ये देखें जी सो so, हमने टू कामन ले लिया बाहर निकाल लिया टू से इसको सिक्स को डिवाइड करें टू थ्री जॉ सिक्स तो ये हमारे पास आंसर आ गया अब हमारे पास ये तीन आंसर चार आंसर हैं बेसिकली एक ये एक ये और ये दो है क्योंकि प्लस माइनस है ना तो टोटल चार आंसर आए हैं अब इन चारों को बारी बारी चेक करना है अब क्वेश्चन नंबर वन में मैं करके दिखा रहा हूँ जरा आपको एक पता होगा कि अगर आपको करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं बड़ा है तो आसान लेकिन लेंथ ही है सो so, देखें पहला हमारा आंसर है फॉर एग्जांपल वन तो हमने क्या करना है ओरिजिनल सवाल को लिख लेना चेकिंग करने के लिए और वहां हर एक्स की जगह पे वन लिख देना क्योंकि इस वन को हम चेक करने लगे अब वन पुट करा दिया हर एक्स की जगह पे देखें हमने वन वन लिख दिया अब इसे हल करेंगे वन का स्केयर वन होता है थ्री वन जार थ्री और टू वन ज़ार टू तो थ्री और टू ये फाइव हो गया इसी तरह इसको अंदर हल करेंगे तो ये फाइव है ये पला पार्ट तो फाइव ही है और फाइव में से वन निकालें तो फोर अब फोर का अंडर रूट टू आता है ठीक है और पाँच में से दो निकालें तो तीन सो देखें दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं तो जब इक्वल हो जाएं तो ये जो हमारा आंसर होता है ना ये सही है ये एक्स्ट्रॉनस नहीं है ठीक है ये हमारे इस वाले का भी सोल्यूशन है ये इस वाली प्रॉपर इक्वेशन जो थी हमारी तो ये एक तो वन हमारा चेक हो गया अब हमने किसको चेक करना है माइनस फाइव ओवर थ्री एग्जैक्टली वैसे ही हर एक्स की जगह पे हमें फाइव ओवर थ्री फाइव ओवर थ्री लिखते जाना है अब इसको थोड़ा हल कर ले, माइनस खत्म हो जाएगा फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव थ्री का स्केयर नाइन टू फाइव ज़ार टेन ओवर में थ्री है इधर अंदर भी उसी तरह फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव नाइन ये जैसे भी है और यहाँ से देखें ये कटता है थ्री थ्री ज़ार नाइन ट्वेंटी फाइव ओवर थ्री टेन ओवर थ्री और ज़ाहिर है जो यहाँ बन रहा हो वही यहाँ बनना है क्योंकि रकमें सेम थी ठीक है और इसका एलसीएम बड़ा आसान होता है क्योंकि ओवर वाली सेम है पच्चीस में से दस निकाल दें पंद्रह और पंद्रह को ये तीन ओवर हो रहा है ना तो तीन पर डिवाइड तो पाँच आ जाएगा और यही काम अंदर होना है लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वन भी है तो इकट्ठा ही एल्सियम ले लें ठीक है तो थ्री इधर इसका एल्शियम ट्वेंटी फाइव और टेन वैसे ही और थ्री है तो थ्री से वन मल्टीप्लाई थ्री वनज आर थ्री ये एल्शियम लेने का तरीका था अगेन आप ये सारी चीज़ कैलकुलेटर में कर सकते हैं आपका कैलकुलेटर अगर अच्छा है तो ये ओवर लिखना अंडर उप लिखना ये सारा खुद ही कर देता है तो ये काम भी किया जा सकता है पिछली एक्सरसाइज में मैंने समझाया हुआ कैसे करते हैं सुबह तो ये कर करा कर ये भी फोर आ जाता है फोर का अंडर रूट फिर टू है तो ये ऑटोमेटिकली बराबर आ जा रही हैं है तो ये आंसर भी सही है फिर हमें ये अंडर रूट वाला चेक करना होता है और यहाँ मैं आपको टोटका बता दूं कि अक्सर सवालों में ये जो अंडर रूट वाले आंसर्स आते हैं ये एक्स्ट्रॉनस ही होते हैं अक्सर में किसी एक आध में आंसर ही में आता है ये लेकिन मोस्टली ये एक्स्ट्रॉनस होता है तो ये भी एक टोटका जहन में रख लें अब इसको देखें अब इस इसको पुट कराना खुद ही वो वैल्यू इतनी अजीबो गरीब है और इसको आप पुट कराएंगे एक्स की जगह पे तो बड़ा अजीब सा आंसर हो जाएगा तो फिर इसका हल मैंने ये निकाला है कि आप इसको पॉइंट में आंसर ले, ले। में 7 लें कैलकुलेटर में सेवन का अंडर रूट लें उसमें से वन माइनस करें जो आंसर आता है उसे थ्री पे डिवाइड करा लें ये आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर एट ये आप पुट कराएं हर एक्स की जगह पे देखें ये हमने पुट करा लिया अब जाहिर है चूंकि कैलकुलेटर है तो हम ये सारा काम इकट्ठा कर सकते हैं ये सारा प्रोसेस करेंगे तो ये आ जाएगा ये सारा अंदर वाला प्रोसेस करें ये आ गया इसका अंडर रूट लें इसमें से माइनस कराएं जीरो पॉइंट नाइन नाइन एट तकरीबन वन आता है तो इस साइड में वन आ गया उधर तो तीन है तो ये इक्वल नहीं आए तो ये हमारा जो सोल्यूशन है ये एक्स्ट्रॉनस होगा और इसी तरह से माइनस वाला क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी ये प्लस वाली थी क्योंकि दो आंसर्स थे ना एक प्लस वाला और एक माइनस वाला तो एक माइनस वाला भी है तो इसको भी उसी तरह से करके ये आती है वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू वन फाइव और ये भी आपके सामने है पुट मैंने कराया है और ये भी इक्वल नहीं आएगा ठीक है वो मैंने ये किया हुआ है वो आप देख सकते हो ठीक है ये भी तकरीबन वन ही बनता है जीरो पॉइंट नाइन नाइन वन होता है और उधर थ्री है तो फिर ये दोनों एक्स्ट्रा ऑनर्स है तो हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा वन और माइनस फाइव ओवर थ्री था वो हमारे सोल्यूशन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आम रूटीन में हम लिखते हैं जी सोल्यूशन सेट एस एस और वो क्या आया है वन एंड माइनस फाइव ओवर थ्री ठीक है ये हमारा आंसर है और बाकी आप लिख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारा एक्स्ट्रॉन और है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कम्प्लीट होता है बाकी सवालों में नहीं करेंगे बाकी में बस सोल्यूशन निकालेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एक्सट्रॉनस है और कौन सा नहीं है प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करते हैं चलें जी क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं इसको देखते हैं ज़रा ये इसकी शक्ल बनी हुई है और इस शक्ल में आप देखें तो यहाँ ओवर में टू आ रहा है तो सबसे पहला तो काम यही करें कि ओवर खत्म करा लें सारी रकम को टू पे मल्टीप्लाई सो टू एक्स ये तो टू कट गया एक्स अकेला आ जाएगा टू सेवन जार फोर्टीन इसके साथ टू एक्स ये थ्री था तो सिक्स हो गया ठीक है अंदर नहीं लेके जाना बाहर ही बस टू थ्री जार सिक्स ये अमाउंट बन गई अब इसको भी जरा सीधा करने की कोशिश करते हैं ये टू एक्स को ले आए इधर अंडर रूट वाली अकेली करें टू एक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना माइनस टू एक्स और ये भी माइनस एक्स है तो माइनस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स ठीक है माइनस फोर्टीन ये और साथ ही ये वाली अमाउंट अब यहाँ देखें अगेन वही क्वेश्चन नंबर वन की तरह टू एक्स स् माइनस थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री एक्स सेम है इसके साथ है प्लस टू तो हम यहाँ पे भी अगर प्लस टू ले लें तो काम चल जाएगा तो हम लिख लेंगे उसके साथ प्लस टू लेकिन प्लस टू तो खुद से लाए हैं ना तो उसका असर ज़ायल भी करना होता है तो ये जो माइनस चौदह है उसको माइनस सोलह लिख लें क्यों क्योंकि इन दोनों को हाल कर ना प्लस टू माइनस सोलह लिखें तो यही चीज़ बनेगी ना माइनस सोलह माइनस चौदह कैलकुलेटर पर करके देखें प्लस टू माइनस सिक्सटीन करें यही आ जाता है तो ये फिर हम सही कर रहे हैं तो अब हम इसको लेट कर सकते हैं क्योंकि अब ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम हो गई है तो ये जो अंडर वंडर रूट वाली अमाउंट है इसे हम टी लेट कर लेते हैं फिर दोबारा से और उसी तरह इनका जो स्केयर लें दोनों तरफ तो रूट खत्म हो गया ये और इसका स्केयर आ गया तो मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ये हमारा टी स्केयर है माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस सिक्स टी तो ये देखें हमने उसको ये लिखा है ठीक हो गया अब इसको सीधा कर लें माइनस सिक्सटी को इधर लें प्लस का सिक्सटी हो जाएगा और माइनस सिक्सटीन ज़्यादातर भी सीधी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं सोलह है सिक्सटीन और दरमियान में छः है तो सोलह कैसे आ सकता है टू टू एट्स आर सिक्सटीन है ना दो और आठ और आठ में से दो निकालें तो छः भी आ जाएगा तो आठ और दो का कम्बिनेशन हमने रखना है सो ये देखें आठ और दो का कम्बिनेशन आठ को प्लस रखें ठीक है, है? तो जो, जो टू है वो माइनस का क्योंकि एट में से टू निकाल लें तो फिर वो सिक्स बन जाएगा ना तो सिक्स ही तो था हमारा सुबह ये बन गया अब आप कामन लें इसमें से टी कामन टी प्लस एड इधर में से माइनस टू टू भी है और माइनस भी कॉमन है तो जब निकालेंगे माइनस चला गया ना तो टू निकल गया टू एड आए और ये देखें सवाल सही होने की पहचान होती है ये दोनों सेम आ रहे होते हैं सो टी प्लस एड बाहर निकाल दिया टी माइनस टू इधर रख दिया अब बिल, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन की तरह हो ही जा रहा है सवाल कि अब हमारे पास दो पार्ट्स आ गए हैं तो एक दफ़ा t प्लस एट को लेके हल करना है एक दफा t माइनस टू को लेके तो प्लस एट के साथ हम करने लगे हैं प्लस एट इधर आ गया माइनस एट और t की वैल्यू आप अब लिख लें ठीक है ये हमने लिख ली अब अंडर रूट खत्म कराना है तो स्केयर लें दोनों तरफ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा आठ का स्केयर सिक्सटी फोर माइनस खत्म हो गया क्योंकि स्केयर लिया है अब इसे हल करने की तरफ चलते हैं 64 है इधर आएगा तो माइनस सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर प्लस टू करेंगे माइनस सिक्सटी टू अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन अगेन बड़ी अमाउंट लग रही है फैक्टर बनाने में मुश्किल आए तो आप डायरेक्ट फार्मूले की तरफ चले जाएं ये ए है ये बी है ये सी है सो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू है इसको हल करें थ्री का स्क्वायर नाइन इन तीनों को मल्टीप्लाई किया फोर नाइन्टी सिक्स प्लस किया तो पाँच सौ पाँच अब पाँच सौ पाँच में से कुछ निकल नहीं सकता बाहर ठीक है तो ये ऐसे ही रहेगा तो ये हमारा आंसर है ठीक है इसको यहीं पे छोड़ देंगे अब हम जो हमारे पास दूसरा पार्ट है टी माइनस टू इसको लेके हमने हल करने की तरफ जाना है सो ये देखें टी माइनस टू था ना तो उधर गया तो प्लस टू अब टी की वैल्यू लग गई स्केयर लिया अंडर रूट खत्म हो गया टू का स्केयर फोर है फोर उधर गया माइनस का फोर और माइनस फोर प्लस टू माइनस टू ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इसके फैक्टर बनाने आसान है छोटी अमाउंट है टू टू जार फोर फोर कैसे हो सकता है फोर वन जार फोर से हो सकता है और देखें चार में से एक निकालें तो तीन आ सकता है फोर को माइनस रखें क्योंकि हमारी ओरिजिनल अमाउंट माइनस की है ठीक है ना माइनस की लानी है वापस तो बड़ी को माइनस का रखते हैं छोटी को प्लस का रखते हैं ठीक हो गया अब आप कामन लेना शुरू कर दें टू भी है दोनों में और एक्स भी है दोनों में तो टू एक्स कामन आएगा तो टू एक्स निकल गया तो एक सिंगल एक्स माइनस टू टूज टू आर फोर और एक्स जा चुका है कोई कामन नहीं है तो प्लस वन और वही एक्स माइनस टू सेम है ठीक हो रहा है तो एक्स माइनस टू बाहर निकाल लिया टू एक्स प्लस वन ये ले लिया और इन दोनों को अलहदा अलहदा ज़ीरो के इक्वल रखना है जब इसको अलहदा ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो माइनस टू ने उधर जाना है तो प्लस टू और जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है तो प्लस वन उधर गया तो माइनस का वन और टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड तो टू एंड माइनस वन ओवर टू ये वैल्यूज़ आ गए और अगेन देखें यहाँ यही होगा जब हम चेक करेंगे तो ये जो 505 वाला था ये हमारा एक्स्ट्रा नस हो जाएगा और बाकी ये जो दो आंसर्स हैं यही हमारे आंसर होंगे तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें फिर हम सिर्फ इन्हीं दोनों को बताएंगे कि ये आंसर है इसका चले जी क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है 2x एक्स प्लस एट है इसके ऊपर अंडर रूट है x प्लस फाइव है इसके ऊपर अंडर रूट है इक्वल टू सेवन इस तरह का सवाल टेन में किया हुआ है क्योंकि इसमें ये दो अंडर रूट्स वाला मुझे याद है इस तरह का हमने उसमें किया था तो चूंकि अंडर रूट्स हैं दो अमाउंट्स हैं तो आप स्केयर ले लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स तो इस साइड में भी देखें हम स्केयर लिख देंगे उधर सेवन है सेवन के ऊपर भी स्केयर अब जाहिर है ये जो दो अमाउंट्स का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए एंड बी जैसे फार्मूला लगाते होते थे सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन अब इनके स्केयर अंडर रूट तो कट जाने हैं ना तो टू एक्स प्लस एट एंड एक्स प्लस फाइव ऐसा ही आ गया ये प्लस टू लिखें और जो चूंकि दो अंडर रूट्स हैं एक ही बड़ी अंडर रूट रख के इनको मल्टीप्लाई करवा लें क्योंकि टू ए बी वाला जो पार्ट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है टू एक्स एक्स ज टू एक्स स्केयर टू एक्स ने जाना है फाइव के पास तो टू फाइव जेन एट एक्स और एट फाइव जार फोर्टी जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं ठीक है ये बन गया अब इसको थोड़ा और हल करते हैं टू एक्स और ये एक्स थ्री एक्स हो गया आठ और पाँच तेरह वहाँ भी मैं भी ये स्टेप कहता होता था इस टू को ऐड नहीं कर लेना साथ क्योंकि ये टू इसका है इनके साथ अटैच है तो ये गलती नहीं करिएगा वरना सवाल सारा गलत हो जाना है ये टू को नहीं छेड़ना हमने थ्री एक्स प्लस थर्टीन हो गया साथ ये है फोर्टी नाइन है अब अंडर रूट को अकेला कर लें के एक दफ़ा फिर हमें स्केयर लेना है तो ये जो 3x एक्स प्लस 13 है दूसरी तरफ ले जाते हैं दोनों पॉजिटिव हैं दोनों देखें अब इधर आके नेगेटिव हो गए तो अब देखें फोर्टी नाइन में से ये 13 निकल सकता है 36 हो गया माइनस थ्री ये सात है अब हम दोबारा से स्केयर ले लेते हैं जब इस साइड पे स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर तो 4 हो जाना है ठीक है अंडर रूट इधर से कट जाना है और अंदर वाली अमाउंट ऐसे के ऐसे ही आ जानी है यहाँ पे फिर ये दो अमाउंट्स हैं तो दो अमाउंट का जो स्केयर होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी वही फार्मूला दोबारा से अब थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेसन चार से ज़रब दे दें फ़ोर टू ज़ार एट फोर एटीन ज़ार थर्ड सेवेंटी टू फोर फोर्टी ज़ार वन सिक्सटी मल्टीप्लीकेशन है इधर स्केयर ले लें इसका स्केयर लें इन तीनों को मल्टीप्लाई और अब सारी रकमों को एक तरफ ताकि एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं चूँकि ये देखें एक्स स्केयर वाली ये एट है ये एक्स केयर वाली नाइन है तो नाइन बड़ी है ना तो इन तीनों को उठा के उधर लेके जाएं नाइन एक्स केयर एट एक्स उधर गया तो माइनस का हो गया फिर ये दो सौ माइनस दो सौ सो सोलह हैं तो देखें वही है सेवनटी टू एक्स उधर गया उधर जा रही हैं चीज़ें उस तरफ ठीक है ये तीनों उधर जा रही हैं इन तीनों ने माइनस होना है ठीक है तो माइनस सेवनटी टू एक्स और ये जो माइन एक सौ साठ है इसने भी माइनस हो जाना है उधर जाके ठीक है ये सारी चीज़ें उधर गई हैं लेकिन मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट आप देखें अब नाइन में से एट निकाल दें तो सिंगल एक्स केयर बचेगा माइनस दो सौ सो सोलह माइनस बहत्तर कर लें वो जितना भी आता है वो लिख लें इन दोनों को माइनस करा लें तो वो अगले स्टेप में मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं अब ज़ाहिर है साथ साथ आपको ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है क्योंकि ज़ाहिर है ये मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें हु ज़ुबानी करनी ठीक है सो सुबह ये पार्ट बन गया अब ये है जी ग्यारह सौ छत्तीस और आपके पास है टू एटी एट तो 288 थोड़ा सा कैलकुलेटर से खेलें दो कुछ कम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके देखा करें तो ये मैंने करके देखा था 284 और 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1136 हो जाता है और जाहिर है दो और 4 जमा करें तो दो टू प्लस क्यों होंगे? क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन के हैं सेम साइन हो तो वो प्लस हो जाते हैं तो बहरहाल अब आगे से कामन ही लेना इसमें से एक्स कामन निकाल लिया एक्स माइनस टू एटी फोर जब भी यहाँ माइनस आए माइनस ज़रूर कामन लें ये मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ और फोर तो कामन होना ही है और इधर फिर वही आना है क्योंकि जो चीज़ इधर बन रही हो वही इधर बनती है तो एक्स माइनस ट्वेंटी फोर टू एटी फोर और ये एक्स माइनस फोर आ गया और यहाँ से दो आंसर दोनों नेगेटिव हैं उधर जाकर दोनों पॉजिटिव तो ये दो आंसर आ गए टू एटी फोर एंड फोर और इसकी चूंकि चेकिंग छोटी थी तो मैंने कर दी क्योंकि रकम छोटी सी है हमारी और इसमें ये दोनों आंसर्स भी छोटे छोटे हैं पुट किया जा सकता है पुट करके जब 284 को पुट किया ना तो देखें बराबर नहीं आए और जब हमने फ़ोर को पुट किया है तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं तो फिर इसका मतलब जो है वो 284 एटी है और ये जो हमारा 4 है ये सही प्रॉपर आंसर है तो हमने जब आंसर लिखना है तो ऐसे लिख देना है कि जो हमारा सोलूशन सेट है वो फोर है और टू एटी फोर एक्स्ट्रॉनस रूट है या सोलूशन है कुछ भी लिख सकते हैं चलें जी क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाए ये भी थ्री की तरह है और उसकी शक्ल थ्री तर, की तरह की बना लेंगे मसलन टू को इधर ही रखें ये जो अंडर रूट वाली है इसको भी उठा कर इसकी तरफ ले आए अब दोनों अंडर रूट एक तरफ क्योंकि इधर पॉजिटिव है ये माइनस हो गया टू पहले ही उधर है तो ये एग्जैक्ट थ्री की तरह बन गया हमने जैसे उसको सॉल्व किया है वैसे इसको करना है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स इधर भी स्केयर इधर भी स्केयर अब आपको पता है ए स्केयर और ये बी स्केयर होना है तो इनके अंडर रूट कटने हैं ना ठीक है जैसे ये थ्री एक्स प्लस फोर आ जाना है और टू एक्स माइनस फोर आ जाना है वो जैसे मैंने पीछे किया था ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए और बी वो भी साथ आना है और इक्वल टू ये टू का स्केयर फोर ज़रा एक स्टेप मैंने नहीं किया पिछले थर्ड में किया वहां पे आप देख सकते हैं तो तीन एक्स और दो एक्स पाँच एक्स हो गए चार और चार तो ये कट गए हैं और ये माइनस टू इधर ही और ये वही बात एक ही अंडर रूट लगा के इनको मल्टीप्लाई भी करवा दिया थ्री एक्स और ये टू एक्स सिक्स एक्स के और थ्री एक्स फोर के पास ये आपको पता है ये मैंने आगे भी बताया ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ सिर्फ फाइव एक्स है फाइव एक्स को ले जाए उस तरफ तो ज़ाहिर उधर जाके माइनस होना है फ़ोर माइनस फाइव एक्स हो गया अब ये अंडर रूट अलीहदा वो अलहदा अब आप दोबारा से स्केयर ले सकते हैं तो इसका स्केयर लें माइनस ने तो ख़त्म हो जाना है जब स्केयर लेना है टू का स्केयर फोर हो गया इसका अंडर रूट चला गया और अंदर वाली अमाउंट एज इट इज़ आ गई है यहाँ फिर ये दो रक है तो फिर वही ए स्केयर प्लस बी स्केर, स्केर माइनस टू ए बी वो हम फार्मूला लगाएंगे ये फोर से मल्टीप्लाई करा दें और इनके स्केयर्स वगैरह खोल लें ठीक है स्केयर खोल लें इनका भी और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया अब फिर सारी अमाउंट से एक तरफ ठीक है ये ट्वेंटी फाइव बड़ा है ना अगेन एक्स केयर को देख लिया करें ट्वेंटी फाइव एक्स है या ट्वेंटी फोर एक्स है तो ये तीनों उठ के उधर जाएंगी ठीक है तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये अगले स्टेप में होगी गया सो ये देखें सारी अमाउंट्स एक तरफ आ गई हैं और जाहिर जो उठ के आई हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं पच्चीस में से चौबीस निकाल दें एक्स केयर माइनस फोर्टी प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर और सोलह और चौंसठ एटी एटी बन गया और ये बड़ा आसान है अस्सी बनाना है ना तो एटी तो ये ट्वेंटी फोर है तो बीस और चार ट्वेंटी फोर ज़र एटी होता है और दोनों नेगेटिव रखें क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट माइनस की है तो बाकी आपके सामने कामन ले ठीक है कामन ले के ये एक्स माइनस ट्वेंटी और एक्स माइनस फोर तो दोनों उधर जाके जाहिर है पॉजिटिव होनी है तो फोर और ट्वेंटी हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों एक्स्ट्रॉनस नहीं है ठीक है दोनों एक्चुअल सही आंसर हैं जब आप चेक करेंगे तो इसलिए ये सोल्यूशन सेट में दोनों आ जाएंगे सही हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं लो जी फाइव में क्या है कि फाइव में तीनों रकमों के ऊपर अंडर रूट है तो कोई बात नहीं अगेन हमें उसी प्रोसेस के थ्रू जाना है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स सो जब ये ए स्केयर और बी स्केयर होना है क्योंकि ज़रा होल स्केयर होगा ना ठीक है तो ये ए स्केयर ये बी स्केयर और टू ए बी जैसे होना है तो इनके स्केयर्स अंडर रूट कट जाने हैं एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस टू वो पहले एक दफ़ा आ गया प्लस टू फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और इधर भी अंडर रूट कट जाना है स्केयर से तो ये सिक्स एक्स प्लस थर्टीन हो जाएगा अब इसे हल करते हैं एक्स और एक्स टू एक्स हो गया सात और दो नौ हो गया ये टू लिखा फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन आपके सामने मल्टीप्लाई करवा दें साथ इसको लिखें अब अगेन वही होगा ये अंडर रूट वाली चीज़ को अकेला करना है टू एक्स और नाइन ने उधर चले जाना है माइनस हो जाना है सो देखें तो दोनों माइनस के हो गए सिक्स एक्स में से टू एक्स निकाल दें फोर एक्स थर्टीन में से नाइन फोर अब ये प्रॉपर शेप बन गई है ठीक है और हाँ एक काम और हो सकता है क्योंकि ये फोर फोर है ना और इधर ये टू है तो अब अगर आप इनमें से टू निकाल दें टू कामन निकाल दें तो टू टू रह गया पीछे लेकिन वो जो टू कामन निकाल लेंगे इससे कटवा दें या ऐसे कह लें कि ये टू इधर उठ के यहाँ आके इनको डिवाइड करा रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से टू डी डिवाइड करेंगे तो टू टूज आर फोर टू टूज आर फोर टू फो, तो ये बन जाएगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना आसान हो जाएगा सवाल अब आप स्केयर ले लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स तो इधर तो हाल ही रूट है तो अंडर रूट कट गया अंदर वाली अमाउंट आ गई और ये दो अमाउंट्स का जैसे हम स्केयर लेते हैं वो हम लेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी डायरेक्ट मैंने कर दिया ठीक है वो आपको पता है कैसे करना है ठीक हो गया ये अमाउंट फिर वही बात सारी अमाउंट से एक तरफ ये फोर एक्स केयर है इन तीनों को उठा के उधर ले जाए तीनों उधर जाके माइनस के हो जाएंगे ये देखें तीनों माइनस के हो गए बाकी इनको करें चार एक्स में से एक एक्स निकाल दें तीन एक्स एट एक्स में से माइनस नाइन तो माइनस एक्स प्लस फोर माइनस फोरटीन माइनस टेन ये कैलकुलेटर पे किया करें सारा ठीक है ताकि आपकी गलती ना हो और अब फैक्टर बनाने हैं टेन थ्री ज़ार थर्टी थर्टी होना चाहिए और थर्टी कैसे आ सकता है सिक्स फाइव ज़ार थर्टी और सिक्स और फाइव क्यों सही है क्योंकि इन दोनों में वन का गैप है ये देखें हमारी ओरिजिनल अमाउंट वन है तो ये सही कम्बिनेशन है बड़ी को माइनस रखें क्योंकि ओरिजिनल हमारी माइनस की है तो बाकी कामन लें ये आपके सामने है कामन लिया है ये दो पार्ट्स बन गए दोनों को लादा जीरो के इक्वल तो एक्स की वैल्यू एक तो टू आ जाएगी उधर जाके पॉजिटिव और एक आएगी माइनस फाइव ओवर थ्री ठीक है ना फाइव उधर गया माइनस का और थ्री ये पहले भी मैंने बताया तो ये दो आंसर्स हमें मिल गए तो ये देखें ठीक है ये दो वैल्यूज आ गई और चेकिंग पे चेक, पता चलेगा कि ये हमारा ये वाला जो है ये एक्स्ट्रॉनस है और टू जो है हमारा सही है तो हम सिर्फ एक ही आंसर देंगे कि भाई टू जो है ये सोल्यूशन सेट है दूसरा जो है वो एक्स्ट्रॉनस है ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स अब यहां देखें ज़रा उसकी शक्ल पे गौर करें रकम बड़ी है ठीक है तीन तीन रकमें थी अब आ गई हैं पीछे दो दो रकमें थी सिर्फ तो एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन एक्स केयर प्लस एक्स माइनस वन तो यहाँ पे एक टोटका सा आपने याद रखना है कि ये वाली जो अमाउंट है ना इसको लेट कर लें कि ये ए है ये वाली अमाउंट को बी लेट कर लें और ये इस, इस तरह करने से बड़ा मज़े का सवाल हो जाता है देखें ज़रा कैसे होगा ये वाली अमाउंट ए ये वाली अमाउंट बी लेट हो गई तो ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बनता है ना क्योंकि ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू वन तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अब आप क्या करें इनके स्केयर लें ठीक है इन दोनों के स्केयर लेके इनको माइनस कराएं ये जो हमारे ए और बी है ना ये दोनों इनका स्केयर लेना है और इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है देखें जब इसका स्केयर लेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो गया इसका स्केयर लेंगे इसका अंडर रूट भी खत्म हो गया सो ये देखें हम लिखते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ये ए स्केयर है ये बी स्केयर है लेकिन माइनस करवाना है तो जब माइनस कराएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन सो ये देखें ये लिखती है अब इस तरह से देखें क्या होगा ये और ये कट जाएगा ये और ये भी कट जाएगा वन और वन रह जाएगा टू तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज टू टू आ गया अब ये जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है ठीक है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज टू टू इसको आप इस इक्वेशन से डिवाइड करा दें ये वाली इक्वेशन ऊपर ये वाली नीचे ये देखें ज़रा कितना मज़े का काम बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू टू और ए माइनस बी इज इक्वल टू वन वो उसके नीचे अब देखें आपको पता है ये जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है पीछे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है ना वो थर्ड फार्मूला जो हम टेंथ क्लास में पढ़ते थे तो ये चीज़ जो है वो ये है तो नीचे से ए माइनस बी तो ए माइनस बी कट जाएगा सोना मैं इसको नीचे करता हूँ अब नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला है ना तो ए ये, इसकी जगह पे ये है ठीक है तो नीचे ए माइनस बी है उसने ए माइनस बी को कटवा देना है तो बाकी क्या रह जाना है ए प्लस बी और टू को वन से डिवाइड करें तो टू ही आता है तो मतलब ए प्लस बी इज इक्ल टू टू आ गया वो आप लिख लें ए प्लस बी इज इक्ल टू टू अब हमारे पास ये इक्वेशन भी है ए माइनस बी इज इक्ल टू वन वो आप उसके नीचे लिख दें a माइनस बी इज इक्वल टू वन तो यहाँ देखें इनको हम साइमल्टेनियसली हल कर सकते हैं प्लस b माइनस बी आपस में कट गया a और ए टू ए हो गया दो और एक ये तीन हो गया और टू इधर आके डिवाइड a का आंसर मिल गया हमें मजे की बात ये हुई है a का आंसर मिल गया थ्री ओवर टू और a हमने क्या लेट किया हुआ ये लेट किया हुआ तो देखें हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए जहां से हम अब सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं तो ये इन एक दो तीन और सवालों में भी ऐसे होगा और ये बड़ा आराम से फिर सोलूशन की तरफ जाएंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पर नहीं जाना पड़ेगा तो चूंकि यहाँ अंडर रूट है तो अब आप जाहिर स्केयर लें तो स्केयर लेंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा अंदर वाली अमाउंट आ गई और इधर स्केयर लेंगे तो थ्री का स्केयर नाइन और टू का स्केयर फोर अब इसको हल कर लें फोर ओवर में है ना फोर इधर आके इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो फ़ोर एक्स स्केयर फोर एक्स और फोर वन जार फोर वो आ गया नाइन ऐसे ही और नाइन को भी अब उठा के इधर ले आए माइनस का नाइन होगा फोर माइनस नाइन तो वो माइनस फाइव बनता है अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है फैक्टर बना लें या फार्मूला लगा लें फैक्टर नहीं बनते ठीक है तो फार्मूले पे आ जाए सीधा तो फार्मूला हमने लिख लिया ठीक है ये आपके सामने है स्केयर सिक्सटीन और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया एटी सोलह और अस्सी बन के ये मिल जाएगा नाइन्टी सिक्स ठीक है इसके बाद ये स्टेप बनाया नाइन्टी सिक्स बन गया और नाइन्टी सिक्स जो है सिक्सटीन सिक्स हजार सोलह छह बार छियानवे नाइनटी सिक्स तो सोलह जो है वो फोर का स्केयर होता है तो वो फोर बाहर आ जाएगा ठीक है और चूंकि फोर अब बाहर आ गया है तो फोर फोर कामन लिया जा सकता है तो वो फोर कामन लेके इस एट को डिवाइड करा दें तो वो अगले स्टेप में हमने इसको किया है सो फोर ले कर कामन उसको डिवाइड कराया तो नीचे अब टू रह गया एट था ना तो वो कटवा दिया तो ये हमारे पास आंसर है ठीक है और अगेन ये जो है वो चेक हो जाता है ओके है आंसर तो हम कहेंगे एक्स्ट्रॉनस नहीं है यही इसका सोलूशन बनता है ओके है ये अब आ जाए क्वेश्चन नंबर सेवन पे अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा इसलिए कि देखें यहाँ ये जो अंडर अंडरवुड के अंदर रकमें हैं टर्म्स हैं वो देखें प्रॉपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी हुई हैं तीन तीन रकमें हैं है ना तो इनके फैक्टर बनाए जा सकते हैं तो हमने अब थोड़ा सा काम ये करना है कि पहले स्टेप में ही इन तीनों के फैक्टर बना लेने हैं सो फैक्टर बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे देखें थ्री है तो थ्री कैसे आ सकता है थ्री वनज आर थ्री ठीक है ना थ्री वन जार थ्री ये बन जाएगा और तीन में से एक निकालें तो ये दो भी हो जाता है बिल्कुल सही है यहाँ एट है तो एट भी एट वन ज़ार एट हो गया और एट में से वन निकालें तो सेवन और यही काम यहाँ पे वहाँ पे फोर है ना तो फोर कैसे बनेगा फोर वन जार फोर और फोर में से भी वन निकाल लें तो थ्री बन जाता है तो ये सही हमने पार्ट्स इसके बना लिए हैं अब आप कामन लेना शुरू कर दें इनमें दोनों में से देखें x कामन है पीछे x प्लस थ्री रह गया दोनों में माइनस आ रहा है माइनस कामन लें और x प्लस थ्री लिख दें इधर से भी x प्लस एट आएगा और ये माइनस वन कामन लें तो फिर x प्लस एट यहाँ पर फिर वही x कामन और ये x प्लस फोर आ गया और फिर माइनस अगेन सबका एक ही पैटर्न है तो यहाँ से देखें एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन वो दोनों आएंगे एक्स प्लस एट और एक्स माइनस वन आएगा एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन आएगा और अब मज़े की बात ये कि एक्स माइनस वन सब के पास है ठीक है तो उस वो जो x माइनस वन है सब में से बाहर निकाल दें तो x माइनस वन बाहर निकल गया पीछे x प्लस थ्री है x प्लस एट है और यहाँ पे x प्लस फोर है साथ ही फाइव भी है और ये जो x माइनस वन है अब देखें यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा मुझे करना चाहिए था वो ये कि कामन लेने से पहले ये सारी अमाउंट इस साइड पे आए अगर आप कहें तो अब हम ये कर सकते हैं वो मैं अब ये सारा लिखने का ना इसको कर दूँ माइनस ठीक है और यहाँ इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ ठीक है अगला स्टेप ये होना चाहिए आपका ठीक है कि आप माइनस इस सारे को उठा के इस साइड पे ले आएंगे ना ये सारा उठ के इस साइड ठीक है ना जब सारी चीज़ें एक तरफ हों फिर कामन लें ताकि वो इक्वल टू ज़ीरो हम रिख सकें ठीक है तो ये समझें कि अब ये चूँकि इधर आ चुका है ना तो यहाँ पर माइनस है और इधर अगेन इक्वल टू ज़ीरो है अब कामल लेना चाहिए क्योंकि अब जब कामल लेंगे x माइनस वन तो उसको भी तो आप जीरो के इक्वल रख सकेंगे ये इक्वल टू ज़ीरो बाहर होना चाहिए ब्रैकेटों से यहाँ पे ठीक है तो x माइनस वन अंडर रूट अलीहदा से ज़ीरो के इक्वल और ये जो अंदर वाली चीज़ है वो अलहदा से ज़ीरो के इक्वल तो पहले हम इस वाले पार्ट को हल कर लेते हैं तो अंडर रूट है अब स्केयर ले अंडर रूट खत्म हो जाएगा जीरो का स्केयर तो कोई मैटर नहीं करता वही रहना है उसमें और माइनस वन उधर जाके अब ये आपके पास एक वैल्यू मिल गई एक्स इज इक्वल टू वन एक सोल्यूशन मिल गया अब हमने ये जो अंदर वाली अमाउंट है इसको जीरो के बराबर रख के और इसको हल करना है सो ये देखें उसको हमने अगेन ज़ाहिर है मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया आपने ये समझे कि इसको ज़ीरो के इक्वल रखा है तो जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस वाली अमाउंट है ना तो ये दूसरी तरफ ले जाएंगे सो ये देखें ऐसे ये हो गया कि अब वो दूसरी तरफ आ गया ज़ाहिर दूसरी तरफ आके उसने प्लस ही होना है अब देखिए ये इस तरह का सवाल हो गया जैसे पीछे हमने सिक्स वाला या फाइव वाला किया था कि उसके ऊपर तीनों रकमों के ऊपर अंडर रूट है तो हमने जाहिर स्केयर ही लेना है अंडर रूट खत्म करने के लिए तो इस साइड पे स्केयर और इस साइड पे और इधर आपको पता है ये दो अमाउंट्स हैं ए प्लस बी तो ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी वो लगना है तो इनका जब स्कीयर्स लेने हैं तो उनके अंडर वूट चले जाने हैं प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और इधर भी ज़ाहिर है अंडर रूट चला जाएगा अंदर वाली अमाउंट आ गई ये हम पीछे भी काम इस तरह का दो तीन सवालों में करके आए हैं ओके सो एक्स और एक्स टू एक्स तीन और आठ ग्यारह ये टू इसके साथ अटैच है एक ही अंडर रूट रख के इनको मल्टीप्लाई करवा दिया और इनको भी मल्टीप्लाई कर दें फाइव एक्स और फाइव फोरजार ट्वेंटी तो अब ये जो अंडर रूट वाला सीन है इसे आप अकेला कर दें और टू एक्स और इलेवन को ले जाएं उस तरफ माइनस हो जाएंगे दोनों जाके और पाँच में से दो एक्स तीन एक्स और ट्वेंटी में से एलेवन निकाल लें तो नाइन अब देखें अब दोबारा से ये अंडर रूट है हमारे पास अब ये फिर अंडर रूट को ख़त्म कराना है तो एक दफ़ा फिर हमें स्केयर लेना है अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स ओके तो यहाँ टू का स्केयर फोर हो गया अंडर रूट चला गया ये अमाउंट आ गई दो रक में हैं इनका ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी डायरेक्ट किया इसका स्केयर लेंगे तो नाइन आएगा ना नाइन का स्केयर ले एटी वन और इन मल्टीप्लाई करवाए टू ए बी टू थ्री ज़ार सिक्स सिक्स नाइन ज़ार फिफ्टी फोर तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया अब आप इनको ज़रब दिला दें फोर एक्स स्केर फोर एलेवन ज़ार फोर्टी फोर और आ और ये तीनों उठ के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे है ना तीनों रकमें इधर आके माइनस की हो गई अब आप इसे हल कर लें फोर एक्स केयर में से ये माइनस करें ये आ गया फोर्टी फोर में से ये माइनस ये आ गया नाइन्टी सिक्स में से ये माइनस ये आ गया और अब देखें नॉर्मली हम यही करते हैं कि हमारी जो एक्स स्यर वाली रकम है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो एक तो माइनस कामन ले सब में आ रहा है फाइव के टेबल में सारे आ रहे हैं फाइव को भी कामन ले लें तो फाइव निकल गया ना एक्स केयर रह गया फाइव टू ज़ार टेन फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन और माइनस कामन लेने की वजह से सबके साइन भी चेंज हो गए अब माइनस फाइव तो उधर जाके ख़त्म हो जाना है ये अमाउंट आ गई आपके पास अब इसके फैक्टर बना सकते हैं आप ठीक है और देन इसको हल कर लेंगे सो so, थ्री था तो थ्री वन जार थ्री और तीन में से एक निकाल लें दो भी आ जाता है सही है बाकी कामन लें आपके सामने है और आपको दो आंसर्स मिल गए प्लस का वन और माइनस का थ्री उधर जाके सारे साइन चेंज होते हैं तो ये दो आंसर्स आ गए और कहता है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रॉनस नहीं है तो यही जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये उसके आंसर हैं दोनों फिट होंगे मुकम्मल उस पर सेटिस्फाई करवाएंगे इक्वेशन को ओके क्वेश्चन नंबर एट पर आ जाएँ और एट में भी आप गौर करें तो हमें फैक्टर ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे भी तीन रकमें हैं यहाँ पे भी तीन रकमें हैं ये तो हर है एक दो ना इसका तो कुछ कर नहीं सकते कामन नहीं ले सकते तो इनके फैक्टर बनाएंगे टू थ्री ज़ आर सिक्स तो सिक्स कैसे आता है सिक्स वन जार सिक्स ही आ जाता है और यहाँ पर देखें ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फ़ोर तो ट्वेंटी फ़ोर कैसे आता है ट्वेंटी फ़ोर वन जर ट्वेंटी फ़ोर है ना तो ट्वेंटी फ़ोर वन ज़ार कर लें तो ये दोनों बन गए अब बाकी कामन ही लेना है टू एक्स इन दोनों में से टू एक्स कामन है एक सिंगल एक्स माइनस टू थ्रीज आर सिक्स कुछ भी कॉमन नहीं है तो जाहिर है प्लस वन ये ऐसे ही आता जाएगा ये चुटकू जो है ठीक है ये ऐसे ही आता जाना है जब तक हम इसको कामन नहीं फिर लेते तो बहरहाल इन दोनों में से भी इसी तरह कामन तो अल्टीमेट हमारे पास ये चीज़ बन गई अब देखें ये टू एक्स प्लस वन सब के अंदर है तो हमने लेकिन यहाँ वो गलती नहीं करनी इसको पहले उधर ले जाना है इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है तो ये देखें हमने उसको पहले उधर ले गए हैं इस साइड पे ले आए हैं तो इधर आके माइनस का हो गया अब काम लें टू एक्स प्लस वन को सो ये देखें टू एक्स प्लस वन निकल गया एक्स माइनस थ्री इधर से ये चला गया तो हाल ही थ्री रह गया उसका और यहाँ से ये चला गया तो एक्स प्लस ट्वेल्व रह गया अब जाहिर है ये अलीहदा से ज़ीरो के इक्वल और ये सारी अमाउंट अलीहदा से ज़ीरो के इक्वल तो पहले इस वाले को ले लें अंडर उठ खत्म करवाएं और टू एक्स प्लस वन है तो जाहिर है प्लस वन उधर जाके के माइनस वन और टू ने जाके डिवाइड होना है तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन हमें मिल जाता है एक्स इज़ इक्ल टू माइनस वन और टू अब ये जो सारी अमाउंट है इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है और जब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये जाहिर है ये माइनस वाली है ना ये उधर चली जाएगी तो हम उसको देखें डायरेक्ट उधर लेके अब जाहिर है हमें स्केयर लेना है ताकि ये हम उसको फर्दर हल कर सकें तो इसका स्केयर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो गया ना इसका स्केयर लेंगे तो नाइन प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वही फार्मूला बार बार और इधर स्केयर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाना है एक्स प्लस ट्वेल्व इसको थोड़ा हल कर लें एक्स नाइन में से थ्री निकाले सिक्स टू थ्री जर सिक्स और ये सारा साथ एक्स प्लस सिक्स को उठाएं उस साइड पर ले जाएँ तो एक्स प्लस दोनों पॉजिटिव हैं उधर जाके दोनों नेगेटिव एक्स और एक्स कट गया है बारह में से छः निकाल दें छः इधर साथ ही है और ये सिक्स और सिक्स भी कट जाते हैं ये सिक्स जाके उसको डिवाइड करा देगा वन आ जाएगा अंडर रूट है स्केयर ले लें ठीक है फिर थ्री उधर जाके प्लस तो ये अल्टीमेट हमें ये वैल्यू मिल गई फोर एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमने ये ऊपर निकाला ये तो ये दोनों ही हमारे एक्सट्रॉनस नहीं है दोनों ही सही आंसर हैं तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा लो जी क्वेश्चन नंबर नाइन है और अगेन फैक्टर्स 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 ठीक है तो ये आपके पास तीन रकमें हैं तीनों के देखें हम फैक्टर बना रहे हैं थ्री टू आर सिक्स है तो सिक्स कैसे बन सकता है वो भी थ्री टू आर सिक्स हो सकता है तीन और दो मिलके के पाँच भी हो जाएंगे सिक्स फाइव जार थर्टी तो थर्टी अगेन सिक्स फाइव जार थर्टी से होगा और छः और पाँच मिलकर ग्यारह और फाइव फोर जार ट्वेंटी तो ट्वेंटी अगेन फाइव फोर जैड ट्वेंटी जो इधर वाले हैं वही वो, वो दोनों अंदर दरमियान में बन रहे हैं क्योंकि दरम्यान में वो नेगेटिव का है ना तो इसलिए दोनों माइनस रखेंगे तो वो नाइना ना आ जाएगा वापस तो ये इस तरह से बाकी आपके सामने कामन लेना है ये आप देख लें कैसे कामन लेते हैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा ठीक है अब अल्टीमेट ये चीज़ बन जाएगी जब यहाँ बनेगी तो एक्स माइनस वन है सब के दरमियान और ये मैं इसको इधर ले आया हूँ दोबारा क्योंकि इक्वल टू जीरो इधर होना चाहिए जैसे मैंने पीछे समझाया तो x माइनस वन कामन बाकी सारा कुछ उसी तरह x माइनस वन से आपके सामने है ये आपको एक वैल्यू मिल गई वन की और ये जो अंदर अमाउंट है आपने इसको लहदा ज़ीरो के इक्वल रखना है और ये माइनस वाली उस तरफ ले जानी होती है तो ये मैंने आपको ये लिख दिया है आगे फिर वही स्केयर लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों के ऊपर अंडर रूट आ रहा है तो हमें फिर स्केयर लेना है तो हम स्केयर ले लें तो ए स्केयर बी स्केयर और टू ए बी तो ए का स्केयर बी का स्केयर एंड टू ए बी इक्वल टू इधर तो आ तोहरा अंडर रूट खत्म हो जाएगा ये अमाउंट आ गई ठीक है अब उसी तरह छः एक्स और तीन एक्स नाइन एक्स दो और ये पाँच सात हो गए ये दो लिखा इनको एक ही अंडर रूट लगा के मल्टीप्लीकेशन और साथ ये नाइन एक्स और सेवन को उधर ले जाए साइन चेंज करवा लें उधर ले जाके साथ ये है आपके पास और ये फिर ज़ाहिर है प्लस माइनस करवाएं तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई अगेन स्केयर लेना है क्योंकि अंडर रूट है तो हम फिर स्केयर लेंगे टू का स्केयर फोर और ये अंदर वाली अमाउंट आ गई इनके ऊपर फार्मूला ए स्केयर बी स्केयर एंड माइनस टू ए बी तो थ्री का स्केयर नाइन फोर का स्केयर सिक्सटीन माइनस टू के साथ टू थ्री ज़ार सिक्स सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर ये बन गया अब बाकी काम वही है फोर से मल्टीप्लाई करवा दें और ये साथ ऐसे ही इन सारों को उठा के इस साइड पे ले आए इन तीनों ने उठ के आगे साइन चेंज करके इधर आ जाना है और इनको आप करवाएं आपस में प्लस माइनस करवाएँ ठीक है तो ये ये आपके पास बन गई क्योंकि बड़ी अमाउंट है तो आप फार्मूला ही लगा लें ठीक है भैया 56, 84, 31 तो फार्मूला लगा लें बेहतर है कैलकुलेटर ने कैलकुलेशन करनी है कौन सा खुद करनी है हमने तो बी हमारा माइनस एट्टी है तो वो आपके सामने है ये लिखा अब शाह एट्टी फोर का स्केयर इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर जाहिर ये दोनों माइनस होंगे एक सौ बारह आ जाएगा तो एक सौ बारह जो है वो अगेन अंडर रूट नहीं होता लेकिन हम इसको ऐसे बना लेंगे सोलह ज़रफ़ सात सिक्सटीन सेवन जार और सिक्सटीन जो है वो फ़ोर का स्केयर है तो वो स्केयर अंडर रूट कट के फोर ने बाहर आ जाना है ठीक है तो एट्टी फोर है और ये फोर है तो इसमें से फोर कामन ले लें तो एटी में से निकाल लें फोर तो फोर टू जर एट फोर वन जार ट्वेंटी वन बनता ये तो ट्वेंटी वन तो वो जो फोर का अमन निकाला है वो नीचे इससे डिवाइड भी तो होगा ना तो ट्वेंटी एट नीचे आ जाएगा तो ये अल्टीमेट हमारे पास वैल्यू आ गई तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा एक्स्ट्रॉनस है और कौन सा मेरी है तो ये अगेन जैसे मैंने कहा था कि अंडर रूट ये वाली जो चीज़ होती है वो एक्स्ट्रॉनस अक्सर हो जाती है तो हमने जो एक सिंगल आंसर वन निकाला हुआ था बस वही आंसर होगा दूसरा जो ये निकाला है ये एक्सटॉनस है ठीक हो गया चलें जी टेन वाले पे आ जाए टेन वाले की शेप देख लें जी ये शेप है सवाल की ठीक है एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन अंडरवुड के अंदर ये बनी हुई है चीज़ और साथ ये है और ये फिर ज़ाहिर है क्योंकि ये स्केयर की फॉर्म में है तो इसके फैक्टर का हमें क्या फ़ायदा तो हमें फिर इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो इनको मल्टीप्लाई करवा लें एक्स के साथ एक्स स्केयर एक्स वन जर एक्स फोर एक्स जैसे मल्टीप्लाई होता है ये लिख लिया साथ ये है साथ ये है और अंडरवुड वाली अकेली रहने दें इन दोनों को भी ले जाए उस तरफ सारा कुछ एक तरफ ले जाए ठीक है तो इनको हल करा लें एक्स केयर हो गया और पाँच एक्स में से तीन एक्स निकाल दें दो एक्स और थर्टी वन ये फोर मिलके के ट्वेंटी सेवन ठीक हो गया अब अगेन देख लें ये अमाउंट और ये अमाउंट एक जैसी है तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन और टू था ना ये बिल्कुल वो शेप बन रही है तो हमने फिर कोशिश करनी है इसके साथ है माइनस पंद्रह तो ये हमारे पास है माइनस ट्वेंटी सेवन तो माइनस पंद्रह लैदा कर दें माइनस बारह लैदा कर दें उसका क्योंकि अब ये वाली जो चीज़ है ये हम टी लेट कर लेंगे ये मैंने यहाँ पे वाई लेट किया इसको तो ये वाई लेट हो गया तो ये चीज़ जो है ये वाइस केयर हो जाएगा सो ये देखें ये चीज़ वाय लेट की जब दोनों तरफ से लेंगे तो वाइस केयर और इधर से ज़ाहिर है ये अंडर रूट खत्म हो गया तो अंडर रूट के बग़ैर वाली चीज़ वाइस केयर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू वाई देखें वाई स्केयर माइनस ट्वेल्व टू वाई आप इसे सीधा कर लें सो so, y उठ के इधर आया माइनस का y माइनस ट्वेल्व तो अब अगेन फैक्टर बन सकते हैं बारह है four, 12. और चार में से तीन निकाल लें एक आ जाता है ये सही है इसके कामन शामन लें तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी y माइनस फोर एंड y प्लस थ्री और दोनों को अकेला अकेला पहले y माइनस फोर ले लें माइनस फोर उधर गया प्लस का फोर तो y की जो वैल्यू है वो हमने लेट की हुई है अब वही बात क्वेश्चन नंबर वन की तरह चल रहा है तो y की वैल्यू ये लिख ली दोनों तरफ स्केयर लिया फोर का स्केयर सिक्सटीन इधर से अंडर रूट चला गया सोलह इधर आके माइनस का हो जाना है माइनस पंद्रह और माइनस सोलह माइनस इकतीस अब इस पे आप फार्मूला लगा लें क्योंकि फैक्टर नहीं बनने इसके ठीक है सो फार्मूला लिखा है फार्मूला लिख के उसको हल किया है 124 और 4 128 128 जो है आप 64 फोर इंटू टू कह सकते हैं चौंसठ दो बार और 64 फोर जो है वो एट का अंडर रूट होता है एट का स्केयर है तो एट बाहर निकल आएगा उसका ठीक है और एट और टू में से टू ही कॉमन आना है तो टू कामन निकाल कर नीचे वाले को कटवा दें तो यहाँ वन रह गया और यहाँ फोर रह गया ठीक है तो ये अल्टीमेट हमारे पास आंसर बन जाता है अब देख लेते हैं कि इसका एक्सप्रॉनर्स क्या है और क्या नहीं लेकिन अभी हमने इसका सेकंड पार्ट भी करना है क्योंकि जो दूसरा ये हमने आंसर निकाला था ना ये देखें y माइनस फोर एंड y प्लस थ्री तो ये जो y प्लस थ्री वाला है इसको भी तो हल करना है तो प्लस थ्री उधर जाके माइनस थ्री तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री तो ये हम फिर लिख लेंगे y इज इक्वल टू माइनस थ्री अगेन y की वैल्यू लगाई आपके सामने ही है फिर स्केयर लेना है थ्री का स्केयर नाइन नाइन इधर आके माइनस ट्वेंटी फोर बन गया अब ट्वेंटी फोर का फैक्टर बड़े आराम से बन जाता है सिक्स फोरज ट्वेंटी फोर और छः में से चार निकालें तो दो और इसका कामन शामिल लें तो आपको ये दो आंसर्स मिल जाएंगे फोर एंड माइनस सिक्स और यहाँ पे जब हमने इसको चेक करना है तो यहाँ पे ये जो फोर और माइनस सिक्स है ये दोनों एक्स्ट्रा आंसर्स हो जाने हैं ठीक है और वो जो अंडर रूट वाला का पार्ट हमने पीछे निकाला है ना वो हमारा सोल्यूशन सेट बनना है इस सवाल के अंदर सो बहरहाल ये तो चेकिंग के साथ होगा लेकिन मेरा नहीं हाल कि वो पेपर में चेकिंग कहीं पूछता है ठीक है लेकिन चेकिंग का तरीका मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं ओके जी एलेवन वाले पार्ट पे आ जाएँ लो जी ये है इलेवन वाला और ये हमारा वही काम है जिसमें हम ए और बी लेट करते थे क्योंकि ये दो ही अंडर रूट्स वाली हैं और दोनों अंडर रूट्स में बड़े पार्ट्स हैं ठीक है और इसमें भी देख लें प्लस नाइन है और ये माइनस फोर है और ये दोनों दोनों सेम सेम टर्म्स हैं इनको कटवाया भी जा सकता है तो इसलिए ये वाली ए अमाउंट ये वाली बी अमाउंट लेट कर लें ये हमने लेट कर ली तो ए प्लस बी इज इक्ल टू थर्टीन होगा सो तो ये देखें ए प्लस बी इज इक्ल टू थर्टीन और यहाँ पे भी वही स्टेप करें कि दोनों के स्केयर ले कर उनको माइनस करवाएं तो स्केयर लेने का मकसद यही होता है कि उनका अंडर रूट खत्म हो जाता है ठीक है ना तो ये अंडर रूट ऊपर से ख़त्म हो गया और माइनस बीच में इसलिए करवाते हैं कि फिर साइन चेंज होंगे तो वो कट जाएंगे ठीक है ना तो माइनस थ्री एक्स स्केयर इससे कट जाएगा माइनस टू एक्स इससे कट जाएगा फोर और नाइनटीन ये नाइन जो है वो भी थर्टीन हो जाएगा ठीक है तो अब ये हमारे पास थर्टीन हो गया लेकिन ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू थर्टीन है तो आपको पता है उसको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं ऐसे लिख दें अब ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है इसको आप इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड करा लें तो ये ऊपर और वो वाली नीचे तो ये देखें वो भी थर्टीन है वो भी थर्टीन है नीचे वाली भी और इसका फिर फ़ायदा यही होगा कि ये कट जाएंगे वन आ जाएगा और इधर से ए प्लस बी ए प्लस बी कट जाएगा ए माइनस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो जब ए माइनस बी की वैल्यू मिल गई वन और ए प्लस बी हमें पहले से पता है तेरह तो इनको ऊपर नीचे लिख के इनको हल कर सकते हैं और ए और ए टू है तेरह और एक चौदह और टू जाके डिवाइड करेगा ए की वैल्यू सेवन अब हम बड़े आराम से ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं ये जो हमने शुरू में लेट की हुई है ए इसके बराबर है ठीक है तो ये हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेवन तो ये देखें ए की जगह ए की हमने वैल्यू लगा ली इक्वल टू आगे सेवन अब इसे हल करते हैं स्केयर लेंगे दोनों तरफ सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन ये अंडर रूट है अंडर रूट खत्म हो गया ये मोड़ बन गई फोर्टी नाइन इधर आके माइनस का और माइनस कराएंगे तो फोर्टी बन गया अब इसके फैक्टर बना सकते हैं फोर्टी थ्रीज और वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी कैसे बनता है बारह और दस बारह को दस से ज़रब दें और बारह में से दस निकालें दो भी आ जाता है तो ये सही है तो आपके पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे दोनों को लैदा से जीरो के इक्वल माइनस फोर उधर जाके प्लस फोर और ये माइनस टेन और ये थ्री जाके डिवाइड तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई तो ये हमारा फिर सोल्यूशन सेट होगा कि ये जो फोर और माइनस टेन और थ्री है ये दोनों ही एक्स्ट्रॉनस नहीं है ये हमारे सोलूशन है सही है जी तो ये हो गया तो लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और इसकी शेप देख लें ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर इलेवन की है हमने भी अगेन क्या कर लेना है इसको ए लेट कर देना है इसको बी लेट कर देना है देखें ए कह दिया इसको इसको बी कह दिया तो चूँकि माइनस है दरम्यान में तो फिर क्या होगा ए माइनस बी इज एकल टू एक्स माइनस फोर तो ए माइनस बी इज एकल टू एक्स माइनस फोर आगे फिर वही काम करना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर दोनों तरफ स्केयर लेने हैं और उनको माइनस कराना है स्केयर लेने से अंडर रूट खत्म हो जाएगा ए के ऊपर से बी और बी के ऊपर में से भी लेकिन माइनस है तो माइनस करवाना है माइनस साइन देखें लगा लिया अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे साइन चेंज करवा लिए अब देखें फाइव एक्स स्केयर में से माइनस फोर एक्स स्केयर एक्स स्केयर आ गया सेवन एक्स और सेवन एक्स कट रहे हैं और दो माइनस अट्ठारह माइनस सोलह अब देखें यहाँ पे भी ये फार्मूला बना हुआ है तो जाहिर है एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव लिख सकते हैं और यहाँ पे भी देखें फार्मूला बन रहा है ये एक्स का स्केयर है ये माइनस फोर का स्केयर है तो फिर क्या होगा एक दफ़ा एक्स माइनस फोर और एक दफ़ा एक्स प्लस फोर ठीक हो गया अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन है तो अगेन जैसे पीछे करते हैं इस इक्वेशन को इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कराएंगे सो तो ये इक्वेशन ऊपर आ गई और जो दूसरी वाली जो है उसके नीचे आ गई तो अब इनको कटवाएंगे a- माइनस बी ए माइनस बी से कट गया x- माइनस फोर इससे कट गया तो a+ प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर तो ये हमारे पास आ गया और पहले से हमारे पास इक्वेशन वो a- माइनस बी की भी पड़ी हुई है तो a+ प्लस बी को लिख लें और साथ a- माइनस बी वाली इक्वेशन को भी लिख लें और इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल कर लें माइनस बी प्लस बी कट गया a और a टू ए इधर से ये फोर फोर कट गया और x और x टू एक्स और टू एज इक्वल टू टू एक्स तो टू टू कटवा दें तो a और x ये आपस में बराबर हो जाएंगे सो देखें हमने a और x को बराबर कर लिया अब a की जो वैल्यू है वो हम लगा देते हैं जैसे हम पिछले सवाल में करते आ रहे हैं तो अब स्केयर लेना है क्योंकि अंडर रूट खत्म करना है तो x का स्केयर आ जाएगा यहां से अंडर रूट खत्म हो जाएगा एक्स स्केयर को उठाएं इधर ले आए फाइव एक्स स्केयर में से माइनस हो गया फोर एक्स स्केयर प्लस सेवन एक्स प्लस टू अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा लें ये ए है ये बी है और ये सी है तो देखें फार्मूला लगाया हमने इधर देख लें ओके सो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू है सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन ये तीनों की मल्टीप्लीकेशन थर्टी टू माइनस कराएंगे सेवनटीन आएगा और बस लेकिन अब जब इसको आपने चेक करना है तो ये दोनों ही प्लस वाला भी और माइनस वाला भी दोनों हो जाने एक्सट्रॉनस तो फिर सोल्यूशन तो यही था बस हमारे पास और तो है नहीं वैल्यूज़ तो फिर हम कहेंगे हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो एम आया खाली सेट आया लो जी तो ये एक्सरसाइज हो गई डन ओके फिर बच्चों अल्लाह हाफिज़